तो ये पेशेंट खुद डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, और इनको कलाई में दर्द हो रहा था और काफ़ी लोगों को दिखा चुके थे गंगानगर जहाँ से मैं हूँ। पता नहीं इनको मेरे बारे में कैसे पता चला, ये बता देंगे। इनका मैंने ऑपरेशन किया था 3 हफ्ते बाद, 5 दिन की दवा दी थी और इन्हें वो भी दवा नहीं खाई और एक्सरसाइज भी कर रही हैं और आराम भी आ गया, जो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। अपना इंट्रोडक्शन दे दो जिससे दांत की प्रॉब्लम हो तो आ जाए तुम्हारे पास। मेरा नाम डॉक्टर नीतू वर्मा है, मैं सूरतगढ़ गंगानगर ज़िले से हूँ। मेरे हाथ की कलाई में दर्द हो रहा था लगभग 1-1.5 साल से। मैंने काफ़ी जगह दिखाया है लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे ढंग से, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख के और सर के पास आई। कितने टाइम दवाइयाँ खा रही थी तुम पहले मेरे आने से पहले? 1.5 साल लगभग। और मेरे ऑपरेशन के बाद तुमने दवाई भी नहीं खाई? नहीं, दर्द की दवाई भी नहीं खाई? नहीं खाई मैंने बिल्कुल। हाँ बिल्कुल भी नहीं। और आज 3 हफ्ते हुए हैं। तो आपको डर लग रहा था शुरू में मेरे से ऑपरेशन कराने में? लग रहा होगा ऑपरेशन के बाद में ही लगा था सर। ऑपरेशन के बाद में डर लगना स्टार्ट हुआ था, पहले नहीं लग रहा था? नहीं। और तुम्हारा मैंने ऑपरेशन मेरे ख्याल से लेट किया था ना थोड़ा सा, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा डॉक्टर होते हुए भी मेरा ऑपरेशन जल्दी नहीं कर रहे डॉक्टर साहब, मेरे को VIP वाली फीलिंग नहीं आ रही? नो सर। है ऐसा नहीं लगा? तो जो डॉक्टर होते हैं हमेशा सिंपल लोग होते हैं, ज़्यादातर वो अपना दिमाग और इसमें लगाते नहीं है, उनको पता होता है डॉक्टर जब बिल्कुल फ्री माइंड होगा तभी करवाना होता है। कुछ लोग होते हैं सर मेरी कल ट्रेन है, सर मेरा फ्लाइट है, मेरे घर में शादी है, और पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि आज नहीं कराया तो मैंने पता नहीं कितनी बड़ी जंग हार ली। उसको डॉक्टर के ऊपर जितना जब उसके साथ टाइम है तब ऑपरेशन कराना चाहिए, और ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती ज़्यादातर। और फिर भी इन्होंने बिल्कुल हमारे ऊपर विश्वास करके अस्पताल में वेट करके ऑपरेशन कराया, और एक्सरसाइज पता नहीं इन्होंने कैसी करी है, और ये इतने छोटे चीरे से इनका ऑपरेशन हुआ है। और ऐसे ऐसे करके दिखा दो, कोई दर्द नहीं हो रहा होगा, दर्द थोड़ा बहुत तो हो रहा होगा, ऐसे करो। इसकी एक्सरसाइज करनी है जिससे मूवमेंट आ जाए और बेटर हो जाएंगी मुझे ऐसा लगता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है? पक्का है? अस्पताल में किस किस टाइप के पेशेंट देखे थे तुमने? ब्रैंकियल प्लेक्सस के देखे थे। अच्छा याद है तुम्हें कहाँ कहाँ से थे वो? एक तो हरियाणा से थे और उन्हें पूछा नहीं डॉक्टर साहब कैसे हैं? तुम तो डॉक्टर हो तुम्हें तो समझ में आ रहा होगा। नहीं सर किसी ने भी इंक्वायरी नहीं करी तुमसे? नहीं, ज़्यादातर पेशेंट इंक्वायरी कर रहा होता है, वहाँ के झाड़ू पोछे वाले से पूछ रहा होता है डॉक्टर मित्तल कैसे है। तुम देख लो मतलब आने के बाद भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो आपको ज़्यादातर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से पूछ लो भाई आप कैसे हो अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड, दूसरों से पूछने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। समझ गए सर?